हम जानते प्रभु मुझे जाने, प्रभु मुझे समझे, मैं जो चाहता हूँ प्रभु मुझे दे। लेकिन क्या हमने कभी पूछा है प्रभु से तू क्या चाहता है? प्रभु प्रभु तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन में? सब चाहते हैं प्रभु मुझे सुने, सब चाहते हैं प्रभु मुझे समझे। आपने कभी कभी सोचा है प्रभु क्या चाहता है? आपने कभी कभी प्रभु को जानने की कोशिश करी है प्रभु क्या चाहता है? हम जानते हैं प्रभु मुझे जाने, प्रभु मुझे समझे, मैं जो चाहता हूँ प्रभु मुझे दे। लेकिन क्या हमने कभी पूछा है प्रभु से तू क्या चाहता है? प्रभु प्रभु तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन में? आप प्रभु से बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रभु भी आपसे कुछ बोलना चाहता है। प्रभु भी चाहता है कि हम उसकी सुने। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने नहीं बोला तुम मुझे बनाओ, आदम ने बोला मुझे बना, आदम ने नहीं खाई नहीं, किसकी इच्छा हुई जो तुम्हें बनाए? परमेश्वर की इच्छा हुई कि मैं आदम को बनाऊंगा। और उसने भूमि की मिट्टी लेके इंसान को बनाया और उससे बातें की, उसकी हर जरूरत पूरा किया, उसके लिए फल भी बनाई। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के पास जाएं। हम जानते हैं प्रभु आपके पास आता है। प्रभु रोज आदम के पास आता था मिलने के लिए। रोज सुबह के ठंडे समय आदम दुकान आए। हाँ प्रभु, प्रभु यहाँ आया भी प्रभु घंटों बैठ के आदम की बातें किया करता था। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। उसने आपको बनाया संगति करने के लिए, और दूसरी चीज अधिकार करने के लिए। किस पे अधिकार? उसने कहा हम मनुष्य को समानता में बनाए, और उसके बाद उसने आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, पूरे समुद्र के ऊपर और पूरी पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया। और उसने कहा जाओ सब कुछ अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने आदम को बनाया अपनी संगति करने के लिए, और उससे भी बढ़कर अधिकार करने के लिए, रखने के लिए। हालेलुया। आदम खुद परमेश्वर रोज आदम से मिलने आता था, लेकिन क्यों एक चीज थी आदम के पास परमेश्वर की, और वो था उसका आत्मा। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो नाशवान नहीं था, वो अविनाशी था। प्रभु ने दूत बनाए, वो कभी मरते नहीं, लास्ट में आग की झील में ही फेंक देंगे पर मरेंगे नहीं। प्रभु ने इंसान बनाया, उसकी आत्मा कभी मरती नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया अविनाशी। परमेश्वर ने मनुष्य से दोबारा संगति करने के लिए खुद प्लान बनाए। मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने खुद प्लान तैयार किया। इब्राहिम को चुना, एक वंश को चुना, एक पीढ़ी को चुना, और सालों साल उनके साथ वाद विवाद होता रहा। और एक समय आया जब परमेश्वर ने हजारों साल बाद यीशु को हमारे उद्धार करता, हमसे मेल करने के लिए इस संसार में भेजा। और यीशु आया, केवल आया नहीं, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और वो पर्दा और वो दीवार जो पाप की थी उसने ढा दी, और दोबारा से मनुष्य का संबंध परमेश्वर से छोड़ दिया। और यीशु ने क्रूस पे कहा पूरा हुआ। लेकिन कई बार लगता है पता नहीं, आज इंसान आज भी प्रभु के पिता अकेला बैठा है। सब कुछ होने के बाद भी
आज भी वो देख रहा है हमारी ओर, हमारे अंदर किस चीज की डिजायर है। क्या वो संगति जो प्रभु चाहता था, जिसके लिए हजारों साल उसने वेट किया और इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई दोबारा वो संबंध जोड़ने के लिए, क्या आज हम प्रभु के साथ बैठते हैं? आज भी वो पिता हमारे लिए तड़पता है। वो कहते हैं तू सब कुछ समय देता है, तू सारे काम करता है, लेकिन तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है। आज आप किस चीज की खोज में, किस चीज की खोज में? बहुत सारे लोगों की खोज अलग अलग चीजों की है। आप जानते हैं मेरी भी एक खोज थी बचपन में, मैं जब बहुत छोटी थी आसमान की ओर देखती थी और बोलती थी कोई है जिसने सब कुछ बनाया है, मैं जानना चाहती थी वो कौन है। और दूसरी चीज, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा था कि आत्मा कभी मरती नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन था लाइफ में, मैं सोचती मरने के बाद मैं कहां जाऊंगी, मुझे जानना है। और ये खोज थी बचपन से, 6 साल की उम्र से मैं इस चीज को खोजती थी। सालों साल बीत गए, बहुत रिलीजियस थी, आत्मिक चीजों के बारे में भूख और प्यास थी, पर जानते कुछ नहीं थे। बंगले में रहता, झोपड़ी में रहता, पर सबका अंत तो एक ही है ना, सबको मरना तो है ही है, पर उसके बाद क्या है, उसके बाद के जीवन के विषय में मेरी खोज थी, मुझे जानना है। ये जीवन के बाद मनुष्य कहां जाता है? और ये खोज ही थी जो मैं यीशु के पास आई। और आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, तू किस खोज में है, क्या खोज रहे हो तू? और प्रभु क्या चाहता है तू क्या खोजे? हम पढ़ते हैं आज बहुत सारे लोग क्या खोज रहे हैं। क्वेश्चन निकालेंगे मत्ती 6:31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अन्य जाति लोग क्या है, इसी खोज में रहते हैं। किस खोज में रहते हैं? क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, यही दिमाग में 24 घंटे इसी की खोज, इसी का लेना देना, इसी की चिंता, जीवन भर इसी की चिंता करते हैं। प्रभु कहते हैं ये चिंता अन्य जाति लोग करते हैं, पर तुम्हें नहीं करनी, और अब तुम्हें इन चीजों की खोज करनी है। अच्छा, ये चीजों की खोज नहीं करने तो क्या खोज करें? हम परमेश्वर की, राज्य की, उसकी धार्मिकता की, उसके सत्य की, उसकी बातों की, उसके भेदों की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारे पास एक पिता है जिसके साथ तुम रहते हो, जिसकी खोज में तुम रहते हो, वो जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, वो तुम्हें दे देगा। अन्य जातियों के पास नहीं है, प्रभु फिर भी उनकी जरूरतें पूरी करता है। एक वचन और निकालेंगे, कुलसियों 3:1-4, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या लिखा है? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अब तुम्हारे अंदर किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन है, मसीह का जीवन है तुम्हारे अंदर। तो प्रभु कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है। मसीह कहां विद्वान है? स्वर्ग में। और तुम्हें किन चीजों की खोज करनी है? जो ऊपर की है, जो स्वर्गीय है। परमेश्वर क्या चाहता है आज आपका ध्यान कहां हो? संसार पे, संसार की वस्तुओं पे? प्रभु चाहता है तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर हो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल के लिए, अनंत काल का जीवन हमारे भीतर है। इब्रानियों 12:14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। किस चीज की खोज करें? पवित्रता की।
पवित्र जीवन की, उस पवित्रता की खोजी बनो। आज हम क्या खोज रहे हैं, किन चीजों पे हमारा ध्यान है, हम पूछें अपने आप से, मैं किस चीज की खोज में लगा हूं। प्रभु तो कहता है तू मेरे धर्मराज की खोज कर, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर, उस पवित्रता की खोज कर जिसके बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। पर आज हमारी खोज क्या है, हम किस चीजों को खोज रहे हैं, किन चीजों पर हमारा ध्यान लगा हुआ है, आज हमें अपने आप को देखना है, पूछना है। एक थिस्कलुनियो 4:7-8, क्योंकि प्रभु ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप मसीह में आ गए, मसीह में रह रहे हैं, क्या वो पवित्रताई का प्रोसीजर चल रहा है, कि लाइफ में आप उस पवित्रताई को में रह रहे हैं या खोज रहे हैं उसे, या खो चुके हैं। आज प्रभु चाहता है हम यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर हमारा ध्यान लगा रहे। 2 Kings 18:6, वह यहोवा से लिपटा रहा। प्रभु के लोगों को क्या करना है, परमेश्वर से लिपटे रहना है और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था, इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। और जहाँ कहीं वो जाता था उसका काम सफल होता था। क्यों सफल होता था, क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, और वो जहां कहीं जाता था उसका काम सफल होता था, परमेश्वर से लिपटे रहने के कारण।